हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। मैट्रिक इंटर परीक्षा यानी कि 2022 के लिए अब तक नहीं करा पाए हैं रजिस्ट्रेशन, बीएसईबी ने इन छात्रों को दिया है एक और मौका। बिहार बोर्ड की ओर से आपको बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वह फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको क्या क्या लगेगा। अभी तक चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इस साल 2022 मैट्रिक एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने बताया है कि क्लास 9वीं के जो स्टूडेंट हैं सभी तक यानी कि सभी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो एक बार फिर से बोर्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें बिहार बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे छात्र के लिए बिहार बोर्ड ने फिर से रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। तो छात्र की बोर्ड वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने आगे कहा है कि नियमित कोटि यानी कि स्टूडेंट को जहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 220 रुपया का शुल्क चुकाना होगा, वहीं स्वतंत्र कोटि की जो छात्र है यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए 320 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम यानी अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है, 9 जुलाई यानी आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको यहाँ पे बता दें बोर्ड मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बोर्ड ने बताया कि छात्र अगले वर्ष इंटरमीडिएट का यानी कि एग्जाम नहीं यानी कि नहीं दे पाए थे या रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए जो छात्रों को 370 और स्वतंत्र कोटि की जो छात्र है उसको 670 रुपया जमा करने होंगे। और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इसके लिए हम बताएंगे अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।